जंगल के रक्षक शहीद साबुआ हांसदा के 37वें पुण्यतिथि के मौके पर बाहरगोड़ा विधायक समीर मोहंती के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बिरू, पश्चिम सांसद जोबा मांझी, विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित रहे। सभी ने केरुकोचा स्थित शहीद के पैतृक गांव में पहुंचकर शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। तमाम मंत्री एवं सांसद तथा विधायकों ने इस दौरान कहा कि झारखंड के वीर सपूत साबुआ हांसदा ने जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से शहीदों को नमन कर उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। झामुमो की सरकार ने राज्य के सभी तबके के लोगों को उनका अधिकार दिया है। अबुआ आवास, मैया योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना जैसे योजनाओं को चलाकर जनता के सभी आकांक्षाओं को पूर्ण किया है। पूर्व में भाजपा सरकार ने जिन कार्यों को नहीं किया था, आज झारखंड की हेमंत सरकार ने उन कार्यों को 5 वर्षों में ही पूरा किया है। आने वाले चुनाव में इन्हीं कार्यों के बदौलत एक बार फिर झामुमो की सरकार राज्य में बनेगी। साबुआ हांसदा जी का आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज 1987 में 8 अगस्त 1987 में हमारे वीर शहीद निर्मल बहादुर जवाहर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उसकी झारखंड विरोधी और सामाजिक तत्व ने हमारे जमशेदपुर चमेरे गेस्ट हाउस में गोली मार दिया था, जिसके बाद पूरे राज्य में आग जैसे फैल गया उनकी बातों को और सभी लोग झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से जुड़ गए। ठीक उस दिन उसका 12 सितंबर आज का 5 दिन बाद फिर एक आंदोलनकारी साबुआ हांसदा जो यहाँ पर जंगल बचाओ आंदोलन ग्रामीण प्रसार में करते थे और यहाँ के जंगल बचाओ आंदोलन में यहाँ का जो ठेकेदार था सब बिल करके एक षड्यंत्र तरीके से उसको उन्हें पुलिस का कब्जा में भेजने का काम किया और पुलिस के साथ भारी एक सौदाबाजी कर उसको जान मारने का भी और पुलिस को जिम्मेवारी दिया, उसका भी सौदाबाजी किया और जिसका कारण साबुआ हांसदा को पुलिस द्वारा बंदूक गोली से तो नहीं मारा लेकिन उसका बट से मारते 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 उसका जाने चले। लेकिन आज उन शहीद परिवार का साथ आज भी हम लोग हैं, साथ में है और मुझे अभी एक आवेदन मिला है उनके परिवार का घर से, शायद उनको किसी को नौकरी अभी तक नहीं मिला लेकिन इसका जिम्मेवारी जो पहले जो है हमारे इस क्षेत्र का विधायक विदुन मरण माथुर था उसको हम लोग जिम्मेवारी दिए थे और सरकार को हम लोग एक नौकरी देने के बाद भी किए थे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हम लोग का साथ निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से उसका परिवार का साथ साथ इस बात को लेकर के हम लोग का संज्ञान में नहीं आया अभी तक लेकिन निश्चित रूप से आज मेरे पास जब आ गया है हमारे साथ मंत्री जी हैं विधायक भी हैं इसको हमारी सरकार संज्ञान में लेते हुए इसको हम लोग आगे की हम लोग कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी सहयोग होगा हम लोग हमारी सरकार की ओर से हम लोग देने के लिए प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। देखिए जल जंगल जमीन की हम लोग बात करते हैं और जंगल की रक्षा के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया है और सही में आज के परिवेश में पूरी दुनिया जो है ना कोरोना महामारी आने पर जो है ना पर्यावरण को लेकर लोग चिंतित होने लगा और लोगों को लगा कि हम लोग फिर से जो है ना वही पुराना दिन याद करते हैं, तो उस समय उनका सोच था जो जंगल के रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया और शहीद हो गया, तो इसीलिए मेरे विचार से माचू की सरकार में जो मेरा विभाग से शहीद ग्राम का योजना चलता है लेकिन भारत सरकार उसको नोटिफाई करती है, मेरा प्रयास होगा कि मैं सरकार से भारत सरकार को भेजूँ कि साबुआ हांसदा वाले गांव को जो है ना शहीद ग्राम के रूप में हम लोग चिन्हित करें भारत सरकार से, मेरा पहला प्रयास होगा। हाँ उसको मैं इनको केंद्र बिंदु मान करके है कि सरकार ने योजनाएँ लागू की, यदि वो योजना का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुँचे उन आश्रितों तक पहुँचे वो सहाय लोगों के पास पहुँचे चाहे साबुआ आवास योजना हो चाहे वो हमारा सर्वजन पेंशन योजना हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना हो वीर दिशु साबुआ योजना हो फिर जिससे हम मनपट्टा लेते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि फूलो जानो हो
हमारा के इस तरीके से बच्चे से बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ के बेरोजगारों के लिए ऐसी योजना सरकार ने बनाई है, यदि इसका सही हम लोग अनुपालन करा सके, उन लोगों तक पहुँचाने का काम कर सके तो निश्चित है कि यहाँ का भविष्य बेहतर होगा और ये हमारे राज्य का शहादत दिवस जो है, हमको लगता है कि झारखंड के आंदोलन में निर्मल महतो के शहादत दिवस, सबुआ हंसदा के शहादत दिवस, गंगाराम कलौंदिया, अजीत धनंजय, ये लोग का शहीदों के बाद झारखंड में एक राजनीतिक बाढ़ पैदा हो और उसके बाद झारखंड अलग राज हुआ है। और निश्चित जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। ये आपकी उंगलियां भी बढ़ेंगी, ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।